वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट। बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हम आज की वीडियो की बात कर रहे हैं, तो आइए बात कर लें आज के DRDO सेप्टम 10 टेक ई के रिजल्ट और आंसर की के बारे में। तो अभी अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे हम दिखा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं आया है ऑफिशियली तौर पर, लेकिन कुछ यूट्यूबर इन्हें क्या मतलब वो अपने आप से बना के और वो बता रहे हैं कि जो इनका रिजल्ट और हासिल आंसर की आ गया। तो ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, व्यू के लिए कुछ भी कुछ लोग करते हैं यूट्यूबर, तो इन लोगों के खिलाफ तो कुछ होना ही चाहिए। तो आज देखिए बात कर लेते हैं हम DRDO की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा आप, तो जैसे सेप्टम के सेक्टर में जाइएगा तो नीचे देखिए यहाँ कोई नोटिस नहीं है। देखिए यहाँ जो नोटिस है अभी सिर्फ लास्ट नोटिस ये है कि जिसका 7 जनवरी को जो कैंसिल हुआ था उसका शेड्यूल जो हुआ है उनका सिर्फ एडमिट कार्ड चढ़ाया गया है। अब बाकी ये STA B का जो रिजल्ट है उनका तो आप लोग को पता है हो भी गया था, उसका रिजल्ट दिया था और उसका एग्ज़ाम भी चल रहा था। तो आइए बात करते हैं क्या प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ रही थी और क्या रहने वाली है। ये हम लोग एक संभावना कर सकते हैं, ये एक्यूरेट कोई भी नहीं अभी बता सकता है कि क्या मतलब रिजल्ट रहने वाला है और कब इसका आंसर किया आता है। इसके बारे में कोई नोटिस नहीं थे, वो जब देगा तो इसी वेबसाइट पे देगा तो यहीं से पता चलेगा और कोई अभी इसके लिए नोटिस नहीं है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके आगे की बात करें तो इसका देखिए एग्जाम सब कुछ कंप्लीट हो गया है और Tier 1 की हम कटअप की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस कटअप क्या रही है। और कोई भी अगर आपको कोई भी अगर अफवाह दिखे तो आप डायरेक्ट जाके उनके वेबसाइट पे पहले चेक कर ले, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है नोटिस। सबसे पहले ऊपर नोटिस आया रहता है, अगर रिजल्ट आया है तो आया है, नहीं तो नहीं। देखिए पहले 150 क्वेश्चन रहते थे, उस अनुसार कटअप जो था तो 109 के आसपास हाईएस्ट इलेक्ट्रिशियन का गया था। तो हम उसी कैटेगरी की बात कर ले, जैसे इस साल जो है क्या रहने वाली है, तो 120 क्वेश्चन है तो इसके अनुसार एवरेजेस कटअप देखें तो 180 to 90 यानी कि 80 से 90 नंबर के बीच रहने वाला है एवरेज स्कोर। हाँ हो सकता है इलेक्ट्रिशियन वगैरह का थोड़ा सा ऊपर चले जाए, जैसे 95 तक जा सकता है, तो इतना कटअप रह सकता है वो, क्योंकि 120 ही क्वेश्चन इस साल थे। तो देखिए कुछ कटअप देख लेते हैं, पहले प्रीवियस ईयर के कुछ कटअप देख लेते हैं और फिर इस साल के बात करेंगे। देखिए ये प्रीवियस कटअप जैसे हैं, तो ये प्रीवियस कटअप है तो इनका जो है देखिए STA B में जो है ना एग्रीकल्चर में 63 ही गया था, वो 150 क्वेश्चन था उस टाइम। और उसी तरह टेक ए की बात कर लेते हैं, जैसे टेक्नीशियन ए की बात कर लेते हैं तो इसमें सभी कैटेगरी वाइज है, तो जो जिस मतलब कैटेगरी से थे जैसे जिस ट्रेड से थे, तो हम इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें तो 66.8 गया था, ये जनरल का है। बाकी ये सब तो OBC का 65 गया था, SC ST का उससे कम गया था, तो उस टाइम की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन का ही जाता है कटअप, बाकी इन लोगों का तो कम ही जाता है। हाँ बाकी का बात कर लेंगे तो टेक एक में मैकेनिस्ट में 75-78 गया था, मैकेनिस्ट डीजल में, तो इन लोगों का कम सीट रहता है, थोड़ा ज़्यादा जाता है कटअप जाता है। तो आइए इस साल की बात कर ले कटअप के बारे में, तो एक्सपेक्टेड कटअप के इस साल बात कर लें तो ये टेक का हम एक की बात कर लें जो अभी एग्जाम हाल ही में हो चुके इनका, तो इसमें सभी देखिए ये सभी जितने ट्रेड हैं उनको उनका यही एवरेज रहने वाला है। जैसे कारपेंटर का हो गया तो जनरल का 83 और OBC का 73 के आसपास रहने वाला है। तो वही इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें तो 93,
हाँ मतलब इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा जा सकता हूँ, मैंने बोला था पहले ये 85 to 95 के बीच इलेक्ट्रिशियन का रहने वाला है कटअप। और वहीं या इन सब की बात कर लें ट्रेड की, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटर का तो इसके 57, फीटर का बात कर ले तो फीटर का ज़्यादा जाने का चांस है, तो इसमें थोड़ा सी ज़्यादा है, इतने नहीं जाएंगे, 100 के आसपास रहेंगे, क्योंकि एक 120 क्वेश्चन में वन मतलब 110 कटअप जाना, ये थोड़ी मुझे नहीं अच्छी लगी। इतने नहीं जाएंगे, 100 के आसपास रहने वाली है। बाकी और सब ट्रेड की बात कर लें तो ये आप यहाँ से देख ले सकते हैं, ये सब जनरल की कटअप है, ओबीसी की थोड़े से कम ही रहेंगे, 2-4 नंबर। और ये नॉर्मलाइज मार्क है, जैसे आप रो मार्क जैसे अभी ये आंसर किया आएगा, तो जिनका भी 80 क्वेश्चन प्लस यानी कि 80 प्लस रहेगा राइट क्वेश्चन है, तो उनका चांस रहेगा कि उनका रिजल्ट हो जाए। और उनके लिए आप जो जिनका लग रहा है कि मुझे 80 प्लस हो गया, तो वो उनके अगले यानी कि सेकेंड में जो होता है प्रैक्टिकल, उनके लिए आप देख ले, वीडियो देखें, और जो भी संस्थान से जुड़े हैं या कहीं पे जाके प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें जिन्हें लगता है, और नहीं तो अपना वेट कीजिए आंसर की आने का। तो ये सब बताया गया है, इसी में 2-4 नंबर ज्यादा और इधर उधर हो सकता है, कटअप यही रहने वाला है, और वो नॉर्मलाइज मार्क होगा। नॉर्मलाइज मार्क में 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है, जैसे कि अगर रो मार्क है तो 5-7 नंबर रखिएगा आप, बढ़ के ही वो आने वाला है रिजल्ट। तो आप लोग ज्यादा इधर उधर फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, और जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे DRDO का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप उसके वेबसाइट पे ही विजिट कीजिए, और सारे देखिए क्या क्या है यहाँ, नोटिस सेक्शन में यहाँ आते रहेगा, आपको सबसे पहले नोटिस दिख जाएगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के लिए, और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, और जाके YouTube इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है रेलवे और भी एग्जामों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो वो जाके देखिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।